अच्छा जो मैं और पानी निपटा रहे हैं, बाहर फ्रेश हवा में सही रहती है। निकाल दे सारा सामान है, इकट्ठे उठा लेंगे। और सबका कलर डार्क है, ये बाय वन गेट वन वाला। तो मैंने बोला निकाल के घर रख भी नहीं, वैसा टेस्ट आएगा ही। और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। पूरा पिज्जा मैं खाऊंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 8, चीकू को हम लोग नीचे तक ड्रॉप करके आ गए हैं स्कूल के लिए, आज उसका फंक्शन है। बैड लक के हम लोग नहीं देख पाएंगे उसे इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए, पर मैं मैम को बोलूंगी, कोशिश करेंगे कि वो हमें वीडियोस भेज सके ताकि हम वीडियो में देख ले चीकू ने कैसी परफॉर्मेंस करी है। तो अभी जो है जब नीचे छोड़ने गए थे, हम देखा कि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो छाता उसे देख के आए हैं और वो निकल गए स्कूल के लिए। तो यहाँ पे ना चीकू का नाश्ता जो मैं और पानी निपटा रहे, क्योंकि ना चाय की कटोरी खा के नहीं गया वो बोल रहा था कि मम्मा अगर मैं खाऊंगा ना तो मेरा खाना हिल जाएगा पेट में, उछल जाएगा। तो थोड़ा सा खा के दिख गए आधा प्लांट। और बाहर का मौसम ना इतना बढ़िया हो रहा है ना, बहुत मस्त बारिश हो रही है। धीरे धीरे जैसी बारिश हो रही थी ना, मैंने फटाफट देखा कि पौधे उठा देती हूँ, बट इतनी तेज बारिश हो नहीं रही कि पौधे उठाने की जरूरत पड़े। तो पौधे बाहर ही ठीक है, और जब पौधे अंदर होते हैं ना तो थोड़े मुरझा भी जाते हैं, बाहर फ्रेश हवा में सही रहते हैं। जो अब वाला मौसम है ना, बहुत खतरनाक वाला मौसम है, क्योंकि इसी मौसम में ना इंसान की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि हम ठंडा पानी या कुछ पी लेते हैं। तो बस अब सर्दियां लगता आने वाली है, जितना हो सके ना आप लोग भी ठंडा पानी मत पियो ना इसी में सो। तो मुझे ना पर्सनली पुलाव खाना बहुत 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 पसंद है। तो रात को पायल ने बताया था कि ना वो चीकू के लिए पुलाव बनाएगी, तो मैंने बोला एक्स्ट्रा बनाई हूँ मेरे लिए भी। तो पायल ने बनाया पुलाव, तो अब खाऊंगी पुलाव। तो चीकू के पापा भी उड़ो यहाँ जल्दी। तो चीकू के पापा के लिए बन रही है यहाँ पे चाय और पराठा, गोलू बना रही है। तो यहाँ पे चल रहा है मेरा पायल का हेल्दी ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह हम लोगों ने सोचा आज चाय ना पिए ना हम लोग पराठा खाए, क्योंकि ना उससे थोड़ी एसिडिटी हो जाती है। तो अब हम खा रहे फ्रेश फ्रूट्स और इसको खाने का मजा ही अलग है पायल। तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, मैं और पायल जाकर ना राशन ले आते हैं, क्योंकि अभी क्या है घर में कल सरफ खत्म हो गया था, आज हींग खत्म हो गई और गार्बेज वाले बैग भी खत्म हो गए। तो एक एक करके हम चीज मंगवा रहे हैं दो दिन से। हाँ प्लस पायल सही बोल रही है, नवरात्रि भी आ रही है, तो बहुत सारा राशन हमें लेना है। और क्या बोलते हैं, राशन हमारा फिर ऊपर का और नीचे का दोनों घर का होता है, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है। तो मैं और पायल अभी क्या करते हैं, पहले नीचे जाते हैं। आज मैं पायल को बोल रही थी जाके खुद चेक करके आते हैं क्या क्या नहीं है, जो जो नहीं होगा फिर वही लेकर आएंगे। तो हमारे किचन में ना बहुत सारा सामान ऐसा है जो हमें पता ही नहीं है, पड़ा और पड़ा होता है। तो हम सामान निकाल रहे हैं, शांति को दे देंगे क्योंकि उसके बच्चे खा भी लेंगे, यहाँ तो पड़ा 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 ही रहेगा। यहाँ पे क्या होता है हमारे घर में, जैसे बास्केट आती है, जैसे ये बास्केट है, तो बास्केट में ना बहुत सारा सामान आता है, तो एक एक डब्बे नहीं दो दो डब्बे आते हैं, तो इतना सामान खा ही नहीं जाता। निकाल दे सारा सामान, ये भी देख देख पूरा पैक पड़ा है। सोन पापड़ी रखे ना ऊपर आई थी वो भी दे दे। हाँ, ये रखी। तो गाइस इतना सारा सामान पड़ा है हमारे पास, और बस वही है ना कि वहाँ पे पीछे पड़ा हुआ है, तीन बार मांग रही थी पीछे, और यहाँ पे प्रोटीन बार काजू बादाम सब कुछ है, पर वो ये दिखता नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं है, तुम खाते नहीं है। हमारी जो किचन की सेटिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कि ड्रॉर्स के अंदर हम सामान रखते हैं ना तो दिखता नहीं है। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट किचन होगी ना, तो उसके अंदर हम क्या अलग से रखेंगे सामान, ग्रोसरी का अलग रखेंगे, बाकी सब कुछ अलग रखेंगे, ताकि पता हो कि सामान यहाँ से ही निकालना है। तो अभी शांति को बोल दिया है कि जो जो सामान नहीं है वो बता दे, तो उसने बता दिया मुझे कि दीदी राजमा मत लेके आना, छोले मत लेके आना, नमक मत लेके आना, ये तीनों चीजें मत लेके आना, बाकी आप आधा आधा किलो दालें ले आना, सारी खत्म हो गई है। तो बाकी बस अभी निकलेंगे, शावर लेती, शावर लेने के बाद मैं और पायल फिर निकलते हैं ग्रोसरी के लिए। फिर चीकू भी आने वाला है ना स्कूल से, तो वो आ जाए, उसको भी ना लंच करा के रेडी करके ट्यूशन के लिए फिर निकलेंगे। तो पायल ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने बोला चल एक काम कर, तो थोड़ी देर लेट जा दवाई खा के, तो वो लेट रही है, जब तक मैं बाकी काम कर लेती हूँ। तो चीकू आ गया स्कूल से और उसने सब कुछ खा लिया है, दही भी खा ली, कैंडी भी खा ली, और इसमें कुरकुरे थे, बट चावल थोड़े से रह गए हैं क्योंकि बाकी सामान था ना, तो चावल खा नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं। चीकू चीकू आपकी स्कूल की बॉटल नहीं दिख रही, लंच तो लेकर आए हो बॉटल? हाँ जी, स्कूल में छोड़ दी थी मैंने। क्यों बेटा? चलो मैम को बोल दूंगी, तो फेस दिखाओ। चीकू का आज बहुत अच्छा डांस हुआ, तो उसकी मैम ने उसको स्टार और स्माइली बनाई है, मजा आया। चलो बेटा शर्ट तो निकाल दी, बाकी चीजें निकालो, चलो खड़े हो। तो अभी मैंने चीकू के लिए क्या मंगवाया है, कैफे। तो चीकू और मैं लेटे हुए हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, स्कूल में क्या रहा, कैसे रहा, कितना मजा आया। अब तो चीकू का ना बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दो दिन छुट्टी है, कल सैटरडे है, फिर संडे है, चीकू की दो दिन छुट्टी है फुल, और हम ना आज शायद से मूवी टाइम भी करेंगे ना चीकू, फिर परसों मेरा स्केटिंग डे है। हाँ पर सब पता चीकू को, वेरी गुड हो गया बच्चा मेरा, परसों है स्केटिंग डे। तो अभी जब तक चीकू का KFC नहीं आता ना, तब तक मैं और चीकू बैठ के देख रहे हैं मूवी, शॉर्ट मूवीज फॉर किड्स। इसके अंदर छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चों की स्टोरीज होती है ना चीकू, तो बहुत मजा आता है। लगता है आपका ऑर्डर आ गया।
तो यहाँ पर बन रही है दोपहर की सब्जी, आलू मटर बन रहे हैं और सीरियसली बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे आलू मटर। और ये ना सुबह वाले चावल भी रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ चावल खा लेती हूँ पहले, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था, फ्रूटी खाई थी तो ये चावल खा लूंगी। मेरा और मम्मा का खाना आ गया, मम्मा भी खा रही है मैं भी खा रहा हूँ। तो चीकू भी ना ट्यूशन जा चुका है और चीकू के पापा गए हैं सैलून, पायल भी उठ गई है, उसकी तबीयत ठीक है बिल्कुल, लंच कर लिया है बस। पायल शावर लेने के लिए गई है, जैसे पायल आती है मैं भी जाती हूँ शावर लेने के लिए, फिर हम लोग निकलेंगे ग्रोसरी के लिए। तो शावर हो गया एकदम डन और मौसम ना अभी भी बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब कि इस टाइम पे धूप नहीं निकल रही बट बारिश नहीं आएगी यार, थोड़ा साफ लग रहा है ऊपर का वेदर। तेरी तबीयत ठीक है पायल? हाँ ठीक है, बेटर है ये रही में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, तबीयत पहले से बिल्कुल ठीक है। और आज मेरा एक इंजेक्शन लगना है जो कि मुझे हर 5 डे पे लगना है, तो वो भी लगवा लूंगी और घर का राशन खत्म है वो भी ले लूंगी। चले चीकू आ जाओ फिर। तो आज हम घर की ग्रोसरी जो है वो नए स्टोर से लेके आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह का एक्सपीरियंस करना चाहिए, रेट्स देखने चाहिए, ऑफर्स देखने चाहिए, तो आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं, जैसा भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज हम आए हैं मेट्रो, मेट्रो में आए हैं शॉपिंग करने ग्रोसरी की। जब हम यहाँ पे शुरुआत में आए थे ना, शिफ्ट हुए थे हम यहाँ पे, तो हमें ऐसे लगता था मेट्रो की जो चप्पल आती है ना उसका होलसेल शोरूम है या फैक्ट्री है ये। तो हम चप्पलों के हमने बोला था गोलूर मैंने कि मेट्रो की चप्पल बहुत अच्छी होती है, गोलू मैं बहुत सारी मैंने ली है तो यहीं से लेंगे, होलसेल की है तो इकट्ठे उठा लेंगे और सस्ती भी पड़ेगी। बाद में पता लगा कि ये ग्रोसरी का जो है शोरूम है। और सबसे बड़ी बात, इनको भी लेकर आए थे हम, इनके साथ तो आए थे तीनों। तो गाइज हमें यहाँ पे ना बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, एक चादर थी 1999 की, एक के साथ 3 फ्री है, तो हमने 4 चादरें ली हैं और सबका कलर डार्क है और डिजाइन भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी हुई है, यहाँ पे हमें ये वाला जो कम्फर्ट है ना 5 लीटर वाला वो 1000 में मिला है, और जो 2 लीटर वाला आता है वो 450 का आता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सीरियसली गाइज यहाँ पे इतना बड़ी बड़ी चीजें ना, क्योंकि हमारी काफी बड़ी फैमिली, काफी सारे लोग हैं, तो हैंड वॉश भी ना हम हमेशा ये लेते थे, ये बाय वन गेट वन वाला, तो इस बार ना मैं सोच रही हूँ कि बड़ा वाला लूँ, तो ये हम ले रहे हैं। और यहाँ पे ना सर्फ एक्सेल भी ना कैन वाला है, भैया आप ये उठाना है सर्फ एक्सेल एक। मम्मा ये दो। तो चीकू ना बहुत जिद करता है, इसको लेकर आने का मतलब है कि ना सामान एक्स्ट्रा लो, तो इसने ये 2 चीजें ली है हैंड वॉश। मैं इसको ना बाद में निकाल दूंगी। क्या? नहीं निकालना। मैंने बोला निकाल के घर रख लूंगी ये सब। नहीं निकालना। तो यहाँ पर ना 3 चीजें हमने ले लिया है, एक हैंड वॉश ले लिया है, कम्फर्ट ले लिया है और ये लिक्विड वाला सरफ ले लिया है, तो सही है सब कुछ भरा और काम हो गया। चीकू दो हैंड वॉश क्यों लिए बेटा? मैंने इतना बड़ा पंप लिया, इतना बड़ा। मम्मा अब दो मम्मा दो, इसलिए हैंड वॉश भी दो। हर चीज दो लोगे? तो चीकू ने यहाँ से अपने लिए उठाई है कोलगेट, और ये वाली जो क्रीम है ना हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे मैं और पायल, क्योंकि बहुत अच्छी क्रीम है सच में। और गाइस ये वाला जो बजाज हम टॉप से था, ये मैंने चीकू की, मतलब चीकू जब मेरे पेट में था ना मैंने इतना यूज किया था और इससे मेरे इतने अच्छे हेयर ग्रोथ हुआ था, इतना अच्छा, इससे मैं इस वाली प्रेगनेंसी में फिर से ले लिया। तो इतने दिनों बाद ना मैं चीकू को लेकर आई हूँ अपने साथ, मैं और पायल, और चीकू यहाँ पे फुल मस्ती कर रहा है, मतलब फुल मस्ती। तो चीकू अगर ऐसे चलता रहा ना तो नेक्स्ट टाइम लेके नहीं आएंगे बेटा। हमने गोल्ड भी पिए ना चाय, लेकिन बट गोल्ड का ना टेस्ट नहीं, मतलब मजा नहीं आता हमें। रेड लेबल ले ले। हाँ तो मैंने ना एक छोटा जैम ले लिया और एक छोटा न्यूट्रेला ले लिया चीकू के लिए, क्योंकि ना कभी कभी इसका रोटी वोटी खाने का मन नहीं करता स्कूल में, तो फिर मैं जैम ब्रेड दे सकती हूँ और न्यूट्रेला ब्रेड भी दे सकती हूँ। तो लास्ट टाइम ना मैंने बड़ा न्यूट्रेला लिया था चीकू के लिए, बट बड़े न्यूट्रेले का क्या है, वो थोड़ा सा ना थोड़ा मोटा सा जाता है, सूख जाता है वो ना, क्योंकि चीकू खुला रख देता है, चम्मच डाल के सूख रह जाता है। एक बार ले लो। चलो चीकू अब आओ। ये ले रही हूँ मैं, बोलूँ छोटे से ही रहते हैं, बड़े खुलते हैं ना वो खराब हो जाते हैं आधे, तो ये कि गाड़ी के लिए भी रखे हैं। सुनिए घर पे मजा नहीं आता ना चाउमीन बनाने का, है ना, जो मजा बाहर है बनती भी नहीं, वैसा टेस्ट आएगा ही नहीं। ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये नहीं पियेंगे, बोर हो जाएंगे गोलू, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल 6-7 ले ले बस। 6 ले ले गोलू। ये वाला नहीं पीते चीकू, ये वाला ले लेते हैं। और एक बटर भी ले लो क्या, 1/2 किलो का? मैं तो रोज खाती था। तो गाइस ये ना फ्रिज है, आप देख सकते हो ये पूरा फ्रिज है और ओपन फ्रिज है, फिर भी ये सब इतना चिल्ड है ना मैं बता नहीं सकती आपको। पायल वैसे हर एक जगह बहुत मैनेजेबल होते हैं जितने भी हम स्टोर्स में जाते हैं, पर ये जो जगह है ना काफी स्पेशियस है, तो बहुत मैनेजेबल है ना। हम पहली बार आए हैं, मैं सोच रही हूँ इसी का कार्ड बनवा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ना बहुत स्पेशल चीज भी ऐसे कंटेनर से बने हुए, आपको जो लेना आप ले सकते हो। तो वहाँ पे लिखा है नो पेस्टिसाइड नो केमिकल, मतलब सब कुछ ऑर्गेनिक है। और वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे है रोस्टेड पीनट्स है, ऊपर अखरोट है। चीकू नहीं बेटा, नो डोंट। तो अभी हमने चावल भी ले लिए और चीनी भी ले लिया, आटा रह गया, आटा हम लेंगे 25 किलो आगे से एंड में लेंगे, क्योंकि अभी ना 4 काउंटर्स हम कवर कर चुके हैं, 4 दुर्के रह गए। तो गाइस यहाँ पे ना फैन बहुत ही बड़ा है, मुझे नहीं पता इसकी हवा आ रही है नहीं आ रही है,
बहुत ही बड़ा फैन है चीकू, देखा इतना बड़ा फैन कभी देखा है? नहीं। मैं नहीं पता इतना बड़ा फैन एक बार देखा था जब हम अहमदाबाद रहते थे ना बेटा, तब देखा था बहुत बड़ा। चलो जल्दी आओ। तो यहाँ पर ना हमें बड़ा वाला लाइज़ोल भी मिल गया, मतलब कि बड़ा वाला जो सबसे कैन में होता है, तो ये वाला सही है, नहीं तो हम हमेशा क्या करते हैं छोटे छोटे लेते थे जल्दी खत्म हो जाते थे। गाइस बचपन में ना मैंने बहुत खाया ये तीनों, तो मैंने यहाँ पे तीनों मिल गया है, तो ये तीनों मैंने ले लिए और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। तो वहाँ पे ना पायल ना बहुत सारा सामान ले रही है, खट्टा मीठा, इमली ले रही है, लड्डू ले रही है, चीकू के पापा के लिए नारियल वाले लड्डू, चीकू के लिए कैंडीज। ये सामान ना बहुत मजा आता है, ये सामानों को देख करना ऐसा लगता है अपनी बचपन की यादें। ये वाला हमने लिया है और ये वाली तो बहुत टेस्टी होती है, सच में बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी चीजें तो बहुत मन कर रहा है खाने का। तो हमारा जो सारा सामान है ना गाड़ी में आ गया, अभी थोड़ा बहुत रह गया, ये तीन पैकेट हमारे चीनी की रह गए, एक आगे कार्टन रखवाया है, काफी सारा सामान था तो सारा तो फिक्स कर दिया पीछे, और एक कार्टन ना यहाँ पे रखवाया है, काफी भारी कार्टन है सच में, इसमें इतना बहुत सारा सामान आया है। चीकू ध्यान से, ये तो लड़का ना गिरता रहता है। तो बस सामान सारा ले लिया है और बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से आज हमें अच्छी मिली है, पिछले दो जहाँ पे हम जाते थे सामान लेने वहाँ पे इतना बल्क में सामान नहीं था, यहाँ पे बहुत बल्क में सामान था, बहुत बड़ा था ये। अब बस जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल, मुझे क्योंकि इंजेक्शन लगवाना था, तो सुबह से अभी मैं निकली थी घर से बाहर, तो मैंने सोचा पहले सामान ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम पहले इंजेक्शन लगवाते तो फिर हमें यू टर्न करके वापस आना पड़ता, तो अब हम सामान लेके यहाँ से यू टर्न लेके सीधा घर इंजेक्शन के बाद। तो सामान जो है ना वो सारा हम अभी नहीं उतारेंगे, वो गाड़ी में रखेंगे, क्योंकि अभी सेट करने के लिए बहुत हो जाएगा, सुबह सुबह निकाल लेंगे, सुबह ही सेट कर लेंगे। तो हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल और सच में बहुत ही सही हुआ कि ट्रैफिक नहीं मिला इतना, बस सीधा फटाफट आ गए। अब पायल का इंजेक्शन लग रहा है पीछे, तो फटा इंजेक्शन फटा कह रही हूँ, फटाफट इंजेक्शन लगता है तो चलते हैं। इतनी तेज भूख लग रही थी, तेज भूख लग रही थी बहुत ज्यादा तेज, तो राइस रखे थे सुबह वाले वो खा लिए, या रोटी आलू मटर की सब्जी, और अभी चटनी बनवाई थी बहुत टेस्टी, दीपक ने बनाई थी, तो चटनी के साथ आज काफी टाइम बाद मैं चटनी खा रही हूँ, मैंने चटनी खानी बिल्कुल बंद कर दी थी आप लोगों के कहने से, पर आज अंदर से मन कर रहा था चटनी खाने का इसलिए बनवाई है। तो इस चटनी में ना मिर्ची भी कम है, टमाटर ज्यादा, लहसुन भी कम है, क्योंकि मिर्ची से जलन नहीं होगी और लहसुन गर्म होता है तो टमाटर ज्यादा है। तो गोलू ने घर का खाना हटा के पिज्जा मंगाया बाहर से खाने के लिए, इसने रोटी बीच में ही छोड़ दी थी, मैंने तो पूरी पेट भर के रोटी खाई है, अगर खाऊंगी तो एक आधा स्लाइस खाऊंगी बस, ज्यादा नहीं खाऊंगी, पर गोलू कह रही है ये पूरा पिज्जा मैं खाऊंगी, वो जो बचेगा ना उसमें से तुम लोगों को शेयर कर लेना, शेयर कर लेना ऐसे कह रही है। तो गाइस खाना वाना हो चुका है और बेरमान जी और चीकू नहीं आए हैं डांस क्लास से, वो जब आएंगे तब आएंगे, और मैं बस दूध पी के सोने जा रही हूँ। ये वाले ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, और भूलेगा मत 2 तारीख को गाना आने वाला है हमारे चैनल पे, नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे, तो उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलेगा। बाय बाय गाइज, गुड नाइट।